इनफिनिक्स नोट 11 ने ओवरऑल इस फोन ने मुझे काफी इंप्रेस किया। अब बारी है इनफिनिक्स नोट 11s की। लेट्स सी 11s कैसा है, देखते हैं रामपुरी की किस्मत में क्या बढ़िया फोन लिखा है कि ओकेश फोन लिखा है। थोड़ा सा ये फैमिली टाइप का दिख रहा है, फर्स्ट इंप्रेशन में यही है। और ये भी अगेन वैसा ही है, देखिए फटा ही नहीं फटा, मैंने कहा था ना ये भी फटा होगा। केबल इनसाइड ऑरेंज कलर का है, 33 वॉट की चार्जिंग बिक है, सिम इजेक्टर टूल, इन्फिनिक्स बिफोर, फेक डॉलर, पेपर वर्क, वारंटी एंड केस एंड वेट व्हाट। यहाँ पे स्क्रीन प्रोटेक्टर रख के मिला है, जबकि इन्फिनिक्स नोट 11 में प्री अप्लाइड मिला था। कितना बड़ा फ़ोन है ये। तो डिज़ाइन में क्या क्या चेंज हुआ है, देखिए बैक पैनल थोड़ा सा नया दिया गया है, ये एंटी फिंगरप्रिंट टाइप आप कह सकते हैं, लेकिन जो फ्रेम का डिज़ाइन है वो अभी भी स्टैंडर्ड ओल्ड टाइप का रखा गया है। जैसे कि अगर हम यहाँ पे देखें 10 में सिमिलर डिज़ाइन फॉलो किया गया है, सेम प्लेस फॉर फिंगरप्रिंट सेंसर, वॉल्यूम का डिज़ाइन सिमिलर, बॉटम में भी एग्जैक्टली सिमिलर है, हल्का सा ये ग्रिल का लेआउट चेंज किया गया है, सिम ट्रे भी सेम प्लेस पर है, कैमरे का लेआउट ऑब्वियसली बदलना पड़ेगा ही क्योंकि सेंसर नहीं आया है। और जस्ट लाइक यहाँ पे भी देख के लग रहा है कि 400-500 मेगापिक्सल है, बट एग्जैक्टली 50 मेगापिक्सल है। सिम ट्रे में आई होप सो यहाँ पे अगेन लंबा वाला सिम ट्रे मिलना चाहिए जिसमें आप दो सिम कार्ड प्लस एक एसडी कार्ड लगा सकते हैं। नो, यहाँ पे अगेन न्यू तरह का सिम ट्रे है। देखिए अगर मैं आपको नोट 11 दिखाऊं तो ये एक स्टैंडर्ड सिम ट्रे है, ऐसा सिम ट्रे हमने सैमसंग में देखा है, थोड़ा सा अलग टाइप का है। यहाँ पे गए कि मेमोरी कार्ड भी लगा सकते हैं प्लस दो सिम कार्ड भी लगा सकते हैं। फ़ोन का सेटअप भी हो गया, इसको मैंने कुछ देर यूज़ भी किया। चलिए आपको बताता हूँ कि एक्चुअली मैं फ़ोन यूज़ करने में कैसा लग रहा है। सो फर्स्ट होल्ड करने में कैसा है, फ्रेंकली गाइस ये काफ़ी बड़ा फ़ोन है, 6.95 इंचेस। आई मीन फ़ोन बड़े लॉन्च होते हैं 6.7 इंचेस, 7.5, 6.7, 6 ऐसा ही एवरेज होता है, लेकिन ये 6.95 है। लेकिन ऐसा ही नहीं कि फ़ोन बहुत ही भारी है, बड़ा है भारी नहीं है, लाइक डिस्प्ले टॉल ज़्यादा है। सो सर्टेनली इसके भी ओन एडवांटेज, आई मीन यूज़ करिए, उसमें वीडियोस देखिए, मूवीज देखिए, तो आपको मज़ा बहुत अच्छा आएगा, गेमिंग करने में भी आपको बढ़िया आएगा। तो दोनों के प्रोज एंड कॉन्स हैं। इनसाइड चलते हैं, देखते हैं और क्या क्या है। फिंगरप्रिंट सेंसर इसका बहुत ही ज़्यादा फास्ट, देखिए जैसे मैंने टच किया नहीं कि अनलॉक सुपर वर्क कर, आई बिलीव ये इन्फिनिक्स नोट 11 से भी फास्ट काम कर रहा है। और डिस्प्ले की क्या बात करें, देखिए फुल है, आपने देखा है ये IPS LCD डिस्प्ले है और ये फुल HD पैनल है। लेकिन बढ़िया पार्ट क्या है कि अब ये 120 हर्ट्ज़ का रिफ्रेश रेट सपोर्ट करता है, 120, 60 और ऑटो स्विच पे जा सकता है। तो यूज़ करने में ये काफ़ी फ्लूइड एक्सपीरियंस देगा। अगर आपने 120 हर्ट्ज़ यूज़ किया है, यू नो लाइक एनिमेशंस काफ़ी मिनिमाइज हो जाते हैं, जो आपको जैसे ओपन करने में ज़्यादा फ्रेम्स फील होते हैं ना, वो यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। तो ये डिस्प्ले अच्छा है, ब्राइट है, बहुत ज़्यादा तो ब्राइट नहीं है, लेकिन यस ओके है, ठीक ठाक है। मुझे ऐसा कुछ लग नहीं रहा है कि मैं कंटेंट व्यू नहीं कर पा रहा हूँ। तो यहाँ पे जो रॉम है थोड़ा सा इम्प्रूव हुआ है। माई फोन में जाएंगे और यहाँ पे आप चेक करेंगे XOS वर्जन है वो 10.0.0 है। जितने भी आप रॉम देखेंगे आजकल ना, लाइक सब वन प्लस रॉम से इंस्पायर्ड है, लाइक रियलमी UI आप देख लेंगे और यहाँ पे देख लेंगे, तो लुक वैसा ही है, अच्छा लुक है। थोड़ा सा आइकॉन्स चेंज हुआ है कंपेयर टू XOS 7.6 है, उससे काफ़ी मेजर इंप्रूवमेंट हुआ है। और यहाँ पे जो नोटिफिकेशन ड्रॉअर है ये सब iOS और MIUI की तरह का है, लाइक राइट से स्वाइप करेंगे तो ये आ जाएगा, यहाँ से करेंगे तो नोटिफिकेशन आ जाएगा। 50 मेगापिक्सल का कैमरा आ गया, ये आई थिंक एग्जैक्टली सेम कैमरा सेंसर है जो आपका नोट 11 में, यहाँ पे बस 2 मेगापिक्सल का एक्स्ट्रा मैक्रो आया है। तो चलिए क्विकली कैमरा टेस्ट करते हैं। तो वैसे मैंने कुछ और सैंपल्स लिए, मैं आपको दिखाता हूँ, आप इसलिए फिगर आउट कर लीजिएगा, क्विकली आपको पता चल जाएगा कि एक्चुअली फोटोग्राफ कैसी आ रही है। बाकी ऑन द वीडियो कैपेबिलिटी, यहाँ पे 2K वीडियो का सपोर्ट दिया गया है सिमिलर टू लाइक नोट 11 में, ये बढ़िया चीज़ है। और वीडियो में जिस फ़ोन का ठीक लग रहा है, लाइक वीडियो में कलर्स मुझे उतने चेंज नहीं दिख रहे हैं जितना मुझे इसमें फोटोग्राफ्स में दिख रहा है, तो कलर्स यहाँ पे ठीक आ रहे हैं, प्लस ये 2K रिजोल्यूशन है। और सिर्फ यही नहीं, आपको फ्रंट कैमरे से भी 2K रिजोल्यूशन का वीडियो बनाने का ऑप्शन मिलता है, और देखिए कलर वो सब भी एकदम एक्जैक्टली सेम आ रहे हैं। सो फ्रंट कैमरा इसका अगेन काफ़ी बढ़िया है, 16 मेगापिक्सल में यहाँ पे फ्रंट कैमरा दिया गया विद 2K रिकॉर्डिंग, जो कि काफ़ी इंप्रेसिव है। ये सेल्फी कैमरा है, अगेन यहाँ पे काफ़ी नेचुरल शॉट आ रहा है, बैकग्राउंड की डिटेल्स भी बढ़िया है, एक्चुअली ये पोर्ट्रेट है एंड ये रेगुलर सेल्फी है, यहाँ पे भी सेम है, कोई भी स्किन स्मूथिंग नहीं है, सब कुछ ओके है। फोटोग्राफ्स कंपेयर करें कि कलर कैसे चेंज हो रहे हैं,
एक्चुअली में ये ऑब्जेक्ट आपके सामने आप देख सकते हैं कलर कैसे चेंज हो रहा है। तो थोड़ा सा यहाँ पे लिटिल बिट ऑफ चेंज आपको दिख रहा होगा। ये तो 50 मेगापिक्सल की है तो आप काफ़ी ज़्यादा जूम कर सकते हैं, कलर थोड़े से चेंज हो रहे हैं, लाइक ज़्यादा ब्राइटनेस है तो थोड़ी सी इशूज़ आ जा रही है। तो बजट फोन्स में ऐसा होता है, लाइक सेंसर को उतना प्रॉपरली ऑप्टिमाइज नहीं किया जाता है। फ्लैगशिप लेवल का होगा तो शायद डेफिनेटली सेम सेंसर और बेटर परफॉर्म कर सकता है। नाउ व्हाट एल्स, यहाँ पे स्पीकर में भी थोड़ा सा चेंज हुआ है। अब ये ड्यूअल स्पीकर है जिसकी बिल्ड क्वालिटी में टेस्ट की थी, वो था लादा का चेसिस का स्मार्टफोन। प्राइस के हिसाब से कंस्ट्रक्शन एक्सपेक्टेड था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली लिक्विडस में फेल हो गया था। अब हमारे पास है लावा अग्नि 5G और आज हमें इस फोन की अग्नि परीक्षा ली। स्पीकर्स कैसे हैं आपने देख लिए, मुझे सेम एक्सपीरियंस मिला जैसा कि नोट 11 में। लाउड है एंड नॉट दी लाउडेस्ट, बट बेटर पार्ट क्या लगा कि फुल वॉल्यूम पे सुनने में भी ज़्यादा डिस्टॉर्शन नहीं आया। बढ़िया पार्ट क्या है कि यहाँ पे आपको ड्यूबल स्पीकर मिल रहे हैं, लेकिन एटलीस्ट आपको यहाँ पे एक्सपीरियंस बढ़िया मिला, ये भी सही चीज़ है। एंड अबाउट दी परफॉर्मेंस, यहाँ पे G96 प्रोसेसर मिल रहा है। तो ये प्रोसेसर हमने पहले भी देखा है, गुड एग्जाम्पल है, आप देख सकते हैं Realme 8i, यहाँ पे भी ये यूज़ किया गया। तो ये प्रोसेसर एक्चुअली काफ़ी अच्छा है। तो अगर हम इसकी बेंचमार्किंग को अनदर डिवाइस से कंपेयर करें उसके बेंचमार्क से, तो आपको थोड़ा सा रॉम का ऑप्टिमाइजेशन दिख जाएगा। यहाँ पे देखिए 276K का स्कोर आया, अगर हम Realme UI से कंपेयर करें 298K। बट वैसे यूज़ करने में डिवाइस काफ़ी बढ़िया है, चूँकि 120Hz है तो एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा आ रहा है। और डिफरेंट रैम ऑप्शन आपको मिलता है, उससे परफॉर्मेंस आपको थोड़ी सी तो यस चेंज होगी। देख सकते हैं कितना फास्ट है, फ्लूइड है, एचडी में काफ़ी बढ़िया परफॉर्मेंस है। तो इसकी परफॉर्मेंस आपको थोड़ी सी ज़्यादा बेटर मिलेगी अगर आप G85 से लेते हैं। अगर मैं यहाँ पे आपको एंटीटू का स्कोर दिखाऊं, आई बिलीव ये 2 लाख के आसपास था, बहुत हाई नहीं। तो G96 में काफ़ी ज़्यादा परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट है। सो नो कॉम्प्रोमाइज इन द परफॉर्मेंस, विद 120Hz आपको काफ़ी बढ़िया एक्सपीरियंस मिलेगा। और एट द लास्ट बैटरी की बात करें, 5000mAh की बैटरी है। बॉक्स में जो चार्जर मिल रहा है आपका वो 33W का, 5000mAh की बैटरी है, लेकिन फिर भी फ़ोन बहुत हैवी नहीं है, बल्कि नहीं है। बल्कि इसलिए नहीं क्योंकि ये थोड़ा लंबा फ़ोन है तो बैटरी थोड़ी सी ज़्यादा फ्लैट कर दी गई है, ये एक यहाँ पे एडवांटेज दिख रहा है। बट फिर भी कैमरा सेंसर यहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा बाहर दिया गया है। एट लास्ट गाइस, कंक्लूजन टाइम कि क्या वर्डिक्ट रहा मेरा इस डिवाइस को लेके। सी, अगर मैं इसके प्रीडिसेसर से कंपेयर करूँ, लाइक इन्फिनिक्स नोट 10 से, तो यहाँ पे इम्प्रूवमेंट काफ़ी ज़्यादा आया है। देखिए, सेम फॉर्म फैक्टर में आपको अब बेटर रिफ्रेश रेट का डिस्प्ले मिलता है, प्रोसेसर इम्प्रूव हुआ है, चार्जिंग रेट इम्प्रूव हुआ है, प्लस यहाँ पे जो कैमरा सेंसर है वो भी नया आ गया है, सैमसंग का, आई बिलीव 50 मेगापिक्सल यहाँ पे। तो ये काफ़ी मेजर इंप्रूवमेंट है। तो नोट 10 से आप सर्टेनली नोट 11S पे आ सकते हैं अगर आपको थोड़ा सा फास्टर स्पीड चाहिए, यू नो, लाइक लेटेस्ट टाइप का टेक चाहिए। एंड अदर ब्रांड्स की कंपैरिजन में यस सर्टेनली हम कुछ कंपैरिजन करते हैं इन द कमिंग डेज। तो आपके भी क्या थॉट्स हैं, डू लेट मी नो इन द कमेंट्स गाइस। थैंक यू सो मच, दिस इज सौरभ, हैव अ ग्रेट डे।